2023 में किन किन मूवीज के लिए एक्साइटेड जिनका इंतजार कर रहे हो? ताज़ा खबर को छोड़ के ठीक है, मतलब कौन कौन सी आ रही है फिल्में मेरे को ऐसा कुछ ट्रैक नहीं। ओके, पठान और शाहरुख खान की जवान, शाहरुख खान की डंकी भी आ रही है, डंकी भी कुमार ईरानी। हाँ, और काफी मूवीज मतलब सलार आ रही है, आदि प्रभास है और ओके थोड़ा उस तरफ नहीं जाते। नहीं, मैंने कुछ करता बाहर की कौन सी आ रही फिल्म? डून पार्ट 2 मेरे को वही याद आया। अभी बाहर की तो बहुत सारी, अभी एंटमैन आने वाली है फरवरी में, एंटमैन क्वांटमिनिया जो मार्वल वाले, उसके ट्रेलर को वो भी मारेंगे अपने मुंह पे। डीसी का पुराना जितना भी शेड्यूल रहेगा इस साल खाली हो जाएगा। राइट, लेट्स होप और आएगी, लेट्स होप पीछे खाली हो जाए। कितने सालों से वो डिले होते ही जा रहा है। फिर गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी आएगी एक। हाँ, और कौन सी आ रही है? मतलब अभी बेसिकली बहुत ज्यादा अब से अपने को अनाउंसमेंट सुनने को मिलेंगे धीरे-धीरे करके। तो अभी आएगा, जेम्स गन अनाउंस कर देगा नए डीसी के विजन को लेकर। खैर अभी जो हाल फिलहाल में शाहरुख खान जैसे मेरे ख्याल से ज्यादा इम्पोर्टेंट इधर फील हो रहा है। 3 मूवीज एक साल आ रही है। पहले पठान पे क्या एक्सपेक्ट, पहले तो 4 साल बाद का कमबैक। हाँ ठीक है, 10 तारीख को ट्रेलर भी आ रहा है। तो मतलब देख लिया क्या पठान? हाँ देख लिया क्या? हाँ, अरे कैसी बातें कर रहे हो यार, देख ही ली होगी ऑफ कोर्स। नहीं यार नहीं देखी, नहीं देखी। बट हाँ वो उनके साथ ऐसा ही है, वो मेरे को लगता है वो कुछ भी बनाएंगे मैं जाऊंगा देखने। मेरा थोड़ा ऐसा प्यार है उनके साथ कि मतलब ये बहुत मेरे को तो ऐसा लगता है कि फिल्में तो उनकी है ही, पर मैं एज अ पर्सन उनका बहुत बड़ा फैन हूँ। आई थिंक उस मोहब्बत में मैं जाके देख लूंगा। तो मुझे डंकी से बहुत उम्मीद है। राजकुमार हिरानी सर तो होता ही है कि वो उदासी में भी कॉमेडी कर देते हैं, वो कॉमेडी में भी उदासी कर देते हैं। उनका मैंने सुना था कहीं वो बोलते हैं कि वो सीन्स ऐसे लिखते हैं ना कि अगर हर एक सीन के अंदर या तो कॉमेडी, ड्रामा या कुछ ऐसे एक्शन वगैरह नहीं रहा तो वो हटा देते हैं पिक्चर से। मतलब हर एक सीन के अंदर तुमको कुछ मिलना चाहिए ऐसे तुम देख रहे हो, और वो मतलब इफेक्ट करता है ऑडियंस के ऊपर। ट्रैक रिकॉर्ड बोलता है उनका। और उन्हीं के साथ मेरे ख्याल से रणबीर कपूर की एनिमल आ रही है। पोस्टर दिखा, काफी वायलेंट मूवी होने वाली है। डायरेक्टर ने खुद बोल दिया कि मैं दिखाऊंगा कि वायलेंस क्या होता है, तो मैं तो और भी एक्साइटेड हो गया कि अब तो मेरी बारी आई यहाँ पे। फिर तो मजा आया देखने में। वो तो फेवरेट एक्टर है। हाँ रणबीर बिल्कुल। इसके साथ साथ एक और